टायर व कबाड़ के गोडाउन में लगी भीषण आग, वल्गा रोड पर ताज पैलेस रॉयल पैलेस के पीछे की घटना। स्थानीय वल्गा रोड पर ताज पैलेस रॉयल पैलेस के पीछे स्थित टायर व कबाड़ के गोडाउन में आज दोपहर करीब 2:30 बजे के दौरान अचानक ही भीषण आग लग गई और गोडाउन में रखे टायर व कबाड़ साहित्य धू धू कर जलने लगे। साथ ही इस गोडाउन में लोहे व टीन के पत्रे काटने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कटर के सिलेंडर भी भीषण आग की वजह से फट गए। इसके चलते करीब 2 से 3 बार भयानक विस्फोट की आवाज से पूरा परिसर दहल गया और परिसर में अफरा तफरी व भगदड़ वाला माहौल बन गया। विशेष उल्लेखनीय है कि इस गोडाउन में लगी आग की वजह से उठते धुएं के गुब्बार को करीब 3 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। वहीं दूसरी ओर वल्गा रोड परिसर में आसपास स्थित पूरे इलाके में धुएं और टायर से उठने वाली आग की वजह से कालिक व अंधेरों का माहौल सा छा गया था। इस भीषण अग्निकांड की जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग के सभी अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही आसपास के शहरों को भी अग्निशमन वाहन भेजने हेतु सूचित किया गया था। समाचार लिखे जाने तक मौके पर करीब 10 से 12 दमकल वाहन पहुंच गए थे और अग्निशमन के जवानों द्वारा आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस आग पर काबू पाया जाना बाकी था। वही दूसरी ओर घटना स्थल के आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग बाग अपने मोबाइल में गोदाम में लगी आग की लपटे और आसमान में उड़ते धुएं के गुबार को दृश्य को कैद कर रहे थे। इस समय परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ की वजह से अग्निशमन के जवानों को आग बुझाने में के काम में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए नागपुरी गेट पुलिस के पतक ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया और पूरे इलाके में को खाली करवाया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक वल्गा रोड पर ताज पैलेस के पीछे जावेद मंसूरी नामक व्यक्ति का टायर व कबाड़ का गोडाउन है, जहां पर हमेशा ही तमाम तरह के छोटे बड़े वाहनों के टायर ट्यूब से भरी भरकम स्टॉक के साथ बड़े पैमाने पर कबाड़ साहित्य भरा रहता है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे के दौरान आसपास इस गोडाउन में अचानक ही धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही देखते विकराल होते हुए विशाल काय गुबार का रूप ले लिया। इस गोदाम में उड़ते धुएं के गुबार को करीब 3 किलोमीटर दूरी से साफ देखा जा सकता था। ऐसे में पूरे परिसर में धुएं के गुबार के फैलने की वजह से अंधेरा और कालिक छा गई थी, जिसकी वजह से लोग बाग इस टायर के गोडाउन की ओर दौड़े, लेकिन तब तक गोडाउन के भीतर आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी थी। साथ ही गोडाउन के भीतर से करीब 2 से 3 बार सिलेंडर फटने के धमाका होने की आवाज भी आई, जिसकी वजह से पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया था तथा अफरा तफरी वाला माहौल बन गया था। इस बीच कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एवं मनपा के दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही परिसर को खाली करवाया और अग्निशमन के दस्ते को मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। उल्लेखनीय है कि यहां पूरा परिसर रिहायशी इलाका है और उस टायर के गोडाउन के आसपास कई लोगों के घर बने हुए हैं। साथ ही साथ टायर गोडाउन के पास ही महावितरण की डीपी भी लगी हुई है। ऐसे में टायर गोडाउन में लगी आग की वजह से हो सकने वाले बड़े अनर्थ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरे परिसर को खाली करवाने के साथ ही महावितरण को सूचित करते हुए इस परिसर को विद्युत आपूर्ति को भी बंद कराया, ताकि अग्निशमन विभाग को आग बुझाने में काम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।